आज हम बनाएंगे सूजी से तैयार हो जाने वाला झटपट नाश्ता, सूजी पैनकेक। इसको हम कैसे बनाएंगे? ये बहुत ही टेस्टी है, यम्मी और इजी रेसिपी है। बहुत ही हेल्थी नाश्ता है ये हमारा। आज आपको दिखाएंगे ये कैसे बनाना है। एक हम बोल लेंगे, उसमें हम एक कटोरी सूजी लेंगे, उसमें हम ऐड करेंगे आधा कटोरी के करीब दही और आधा कटोरी पानी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट पर रख देंगे ढककर। देन फिर एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम डालेंगे ऑयल 2 से 3 टेबलस्पून। उसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच सरों, जिसको हम राई भी बोलते हैं। उसमें हम ऐड करेंगे एक बारीक काटा हुआ प्याज, 2 हरी मिर्चें। इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। एंड देन हम ऐड करेंगे आधा चम्मच गार्लिक जिंजर पेस्ट, एंड उसको मिक्स करके अच्छे से, उसको कच्चापन उसको दूर करके उसको फ्राई कर लेंगे अच्छे से। इसमें बहुत ही कम मसाले डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच गरम मसाला। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने इसमें ऐड किए हैं 4 बड़े उबले हुए आलू, जिसको हम अच्छे से मिक्स करके फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1/3 टेबल स्पून, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। फिर हम अच्छे से मिक्स करके इसको ठंडा कर लेंगे। सारे मिक्सचर को ठंडा करने के बाद हम इसकी पेड़ा लेकर छोटी छोटी टिक्कियाँ तैयार कर लेंगे, और जो हमारा जो बैटर है उसको थोड़ा सा पानी डालकर, आधा कटोरी और पानी डालकर इसको पतला कर लेंगे, जैसे डोसे का बैटर होता है वैसा हम बैटर तैयार कर लेंगे। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। देखिए, अब एक थोड़ा सा पोटैटो मिक्सचर लेकर ऐसे गोल गोल कर लेंगे, इसको दबाकर हम पतली पतली टिक्की तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हो हमने टिक्की तैयार कर ली है। अब हम दूसरी साइड एक तवा लेंगे, उस पर थोड़ा सा घी ग्रीस करेंगे ऑयल, उस पर हम अपना बैटर डाल देंगे। ऐसे हम किसी भी चीज़ से डालेंगे और थोड़ा फैला लेंगे, पतला रखेंगे, ज़्यादा मोटा नहीं। देन उसके ऊपर एक टिक्की रख देंगे, थोड़ा सा पकने के बाद कम आंच पर पकाएंगे इसको। देन फिर उसके ऊपर फिर से बैटर डालेंगे, बिल्कुल पतली लेयर डालनी है हमने। आप देख सकते हो इसको हम फिर 5 मिनट दोनों साइड ढककर पकाएंगे, 5 5 मिनट दोनों साइड, जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए। कम आंच पर पकाना है, बढ़िया बनेगा। और हमारा झटपट से तैयार होने वाला नाश्ता रेडी है, बहुत ही टेस्टी बनकर ये तैयार है, यम्मी।